अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की धरपकड़ जारी है। वहीं पटना सिटी के आलमगंज थाना की पुलिस ने अलग अलग इलाके से 5 अपराधी को 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही बाइक को भी जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि गश्ती के दौरान बजरंगपुरी इलाके में बाइक सवार 2 संदिग्ध को देखा गया, जहां पुलिस ने बाइक सवार को रोकने की कोशिश की पर दोनों भागने लगे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके पास से 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल को बरामद किया गया है। पुलिस दोनों अपराधी की पहचान सादिकपुर का रहने वाला अमन उर्फ एटीएम और दूसरा प्रिंस के रूप में किया। ये दोनों पेशेवर अपराधी हैं और पूर्व में भी लूट के मामले में जेल जा चुके हैं। वहीं दूसरा टेंट का सामान चोरी करने वाला 2 लोग और शराब पीकर हंगामा करने वाले 1 व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये आर्म्स में 2 गिरफ्तारी है, 1 ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 जिंदा गोली, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल उसके साथ बरामदगी है। ये उसका नाम, एक का नाम है अमन कुमार उर्फ MT जो रहने वाला है ये दादर मंडी का, और दूसरा ये प्रिंस कुमार ये रहने वाला है सादिकपुर का। उसके अलावे दो गिरफ्तारी, ये चोरी टेंट उनका सामान चोरी कर रहा था उसमें 2 गिरफ्तारी है, और 1 गिरफ्तारी है ये शराब पी करके हंगामा कर रहा था उसमें 1 गिरफ्तारी। इन लोग को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है सर? ये आर्म्स एक्ट में आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया है, ये बजरंगपुरी शनि मंदिर के पास, और ये जो टेंट वो सामान चोरी कर रहा था उसको अर्थाबाद नहर तरफ बरामद किया गया है। पहले भी अपराध कर पहले भी अपराधी की ये दोनों जो आर्म्स पकड़ाया है ये 2020 में अगमकुआं में लूट के केस में भी जेल जा चुका है।